السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boys Higher Secondary School Khail and this is our class 10th subject science. My today's topic is nomenclature of organic compounds and this is the second part of the topic. तो कल हमने इसका first part देखा था, उसमें हमने क्या क्या discuss किया था वो हम यहाँ पे दिखाएंगे. तो नाम देने के लिए, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देने के लिए हमें कुछ steps follow करने हैं. तो पहले क्या है, root word वो हमने देखा. तो पहले रूट वर्ड है वो हमने देखा. उसके बाद जो हमने सफिक्स के बारे में देखा, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. उसके बाद हमने प्राइमरी सफिक्स देखा, प्राइमरी सफिक्स. उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स देखा, ठीक है ना. तो आज हम देखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स. आज हम प्रीफिक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना. तो उसके बाद हम इस काबिल बन जाएंगे कि हम एक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं, ठीक है ना. तो आज हम प्रीफिक्स की बात करेंगे. तो ये फोर्थ स्टेप है, प्रीफिक्स. प्रीफिक्स ठीक है ना. तो प्रीफिक्स दो तरह के होते हैं, एक है प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स. दूसरा है हमारे पास सेकेंडरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, ठीक है ना. अगर हम बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की, तो प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स इसमें हम, इट इज द साइक्लो वर्ड. ये साइक्लो वर्ड है जिसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स बोलते हैं, एडेड बिफोर द रूट वर्ड. इसको हम रूट वर्ड से पहले ऐड करते हैं, ठीक है ना. इसको हम रूट वर्ड से पहले ऐड करते हैं. चलिए मान लीजिए मेरे पास एग्जांपल है, इट इज CH2. ये मेरे पास एग्जांपल है, ठीक है ना. तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो साइक्लिक कंपाउंड है ये. साइक्लिक कंपाउंड में ही हम इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स. ये प्राइमरी प्रीफिक्स है साइक्लो, इसका इस्तेमाल हम करते हैं सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स में, ठीक है ना. तो अगर हमें इसका नाम देना होगा तो पहले हम जो सीक्वेंस है वो फॉलो करेंगे. तो मैं लिखूंगा प्राइमरी जो है प्रीफिक्स, ठीक है ना. उसके बाद रूट वर्ड, ठीक है ना. तो उसके बाद जो है प्राइमरी सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना. उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स. उसके बाद इसका आईपैक नया, आईपैक नया, ठीक है ना. तो अगर बात करेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स की, तो वो क्या है यहाँ पे, वो है साइक्लो. रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 4 5, तो पेंट है रूट वर्ड, ठीक है ना. तो प्राइमरी सफिक्स क्या है यहाँ पे, प्राइमरी सफिक्स ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, तो एन है यहाँ पे, ठीक है ना. सेकेंडरी सफिक्स क्या है, वो कुछ नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना. तो इसका नाम है साइक्लो पेंटेन. तो इसका आईयूपीएसी नाम क्या बन गया, साइक्लो पेंटेन. इसका आईयूपीएसी नाम है साइक्लोपेंटेन, ठीक है ना. तो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो जो ये प्राइमरी प्रीफिक्स होता है सिर्फ साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए होता है प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना. तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं. सेकेंडरी प्रीफिक्स, अब हम देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको हम बोलते हैं. सो बी पार्ट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स. सेकेंडरी प्रीफिक्स किसको बोलते हैं, इट रेफर्स टू ग्रुप, और इट रेफर्स टू ग्रुप्स विच आर नॉट कंसिडर्ड, विच आर नॉट कंसिडर्ड फंक्शनल ग्रुप्स बट आर कंसिडर्ड एज, दे आर कंसिडर्ड एज सबस्टिट्यूएंट्स, दे आर कंसिडर्ड एज सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना. तो सेकेंडरी प्रीफिक्स वो ग्रुप्स है जो, जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना. जिनको हम कंसिडर करते हैं एज सबस्टिट्यूएंट्स, ठीक है ना. तो मेरे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, तो यहां से मैं लिखूंगा ग्रुप और सबस्टिट्यूएंट क्या है, सबस्टिट्यूएंट क्या है. तो यहां से मैं लिखूंगा इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, इसका सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, ठीक है ना. तो ग्रुप
ये फ्लोरीन भी हो सकता है ग्रुप, और सब स्टूडेंट फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसके बाद है NO2, NO, N2, ठीक है ना। ऐसे ही हमारे पास है OR, ऐसे ही CH3, C2H5, ऐसे ही C3H7, ऐसे ही CH3O3। तो इसके लिए फ्लोरो सेकेंडरी प्रिफिक्स है, इसके लिए क्लोरो है, इसके लिए ब्रोमो है, इसके लिए आयोडो है, इसके लिए नाइट्रो है, इसके लिए नाइट्रोसो है, इसके लिए डाइएजो है, इसके लिए अल्कोक्सी है, इसके लिए मिथाइल है, इस C2H5 के लिए इथाइल है, C3H7 के लिए प्रोपाइल है, CCH3O3 के लिए टर्शरी ब्यूटाइल है। सो दीज आर द सब स्टूडेंट्स एंड दीज आर द सेकेंडरी प्रिफिक्स, ठीक है ना। तो अब जो सीक्वेंस फॉलो करनी होती है वो ये है कि पहले हम जो सीक्वेंस नाम देने की टाइम हमें फॉलो करनी होती है वो ये है कि पहले हम काम करते हैं कि हम लिखते हैं, पहले हम पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स लिखते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है ना। उसके बाद हम लिखते हैं रूट वर्ड, रूट वर्ड, उसके बाद प्राइमरी सफिक्स, ठीक है ना, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स, उसके बाद आयुपैक नाम, आयुपैक नाम, ठीक है ना। चलो हम एग्जांपल लेते हैं समझने के लिए। इट इज CH2, डबल बॉन्ड CH2, CH, सिंगल बॉन्ड CH2, BR, ठीक है ना। ये है एक एग्जांपल। दूसरी एग्जांपल हम ये देखते हैं, ये है दूसरे एग्जाम्पल। तो हमें आयुपैक नाम लिखना है इनका, तो हमें इनका आयुपैक नाम लिखना है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, यहाँ पे है सेकेंडरी प्रीफिक्स, हाँ है ब्रोमो, तो हम लिखेंगे ब्रोमो, ठीक है ना। प्राइमरी प्रीफिक्स है, एसाइक्लिक कंपाउंड है, इसलिए प्राइमरी प्रीफिक्स नहीं है। तो आगे बढ़ेंगे, रूट वर्ड क्या है यहाँ पे, 1 2 3 कार्बन है, तो लिखेंगे प्रोप, ठीक है ना। फिर ये प्राइमरी सफिक्स अनसेचुरेटेड है कि सेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड है, कौन सा, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है ना। तो एन लिखेंगे प्रोप, एन, एन कहाँ पे है, एन कहाँ पे है, कार्बन नंबर 2 पे है, ठीक है ना, कार्बन नंबर 2 पे। उसके बाद सेकेंडरी प्रीफिक्स इसमें है, सेकेंडरी प्रीफिक्स नहीं है, तो कार्बन नंबर 2 पे ऐसे लिख सकते हैं इसका आयुपैक नाम, ब्रोमो प्रोपीन 2, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्रोमो प्रोप टू इन, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पे तो हम देखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ब्रोमो है, ब्रोमो है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, हाँ साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लिक लिखेंगे, ब्रोमो साइक्लो, ठीक है ना। अब क्या है ये रूट वर्ड क्या है, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेट है कि अनसैचुरेट, अनसैचुरेट है, एन सेकेंडरी सफिक्स है, फंक्शनल ग्रुप कोई नहीं है, ठीक है ना। तो आई पैक नाम इसका क्या है, ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन, इट इज ब्रोमो साइक्लो हेक्सेन इसका आई पैक नाम, ठीक है ना। तो इन स्टेप्स को फॉलो करके हम एक कंपाउंड का आयुपैक नाम लिख सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द स्टेप्स, और दिस वाज ऑल अबाउट द रूल्स फॉर द बेसिक नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो आगे बढ़ के हमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स देखने हैं अब अलग से। तो अगर फंक्शनल ग्रुप एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में OH होगा तो ये फैमिली कहलाएगी अल्कोहल्स, तो
तो हम देखेंगे अल्कोहल्स, जो बेसिक अल्कोहल्स है उनका हम नाम कैसे दे रहे हैं। ऐसे ही हेलो अल्केन्स, ऐसे ही अल्काइल जो है हेलो अल्केन्स, ऐसे ही एल्डिहाइड्स, ऐसे ही कीटोन्स, ऐसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो उनको हम एक एक करके अब देखेंगे इंशाल्लाह, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।